तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी इस वक्त कर्नाटक के बांदीपुर पहुंचे हुए हैं और यहां पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मौका बहुत खास है और कुछ ही वक्त के बाद बाघों के जो आंकड़े हैं पीएम मोदी वो भी साझा करेंगे, डेटा साझा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बाघ संरक्षण के लिए एक विजन को भी जारी करने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी थेपाकडू हाथी शिविर का भी दौरा करेंगे। इस दौरान वो द एलिफेंट विस्पर्स के स्टार बोमन और बेली से भी मुलाकात करेंगे और ये तस्वीर तब की देख रहे हैं जब यहाँ इस टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो आज सुबह की शुरुआत हुई पीएम मोदी की उस तस्वीर के साथ जिसको पीएमओ ने ट्वीट किया, वो तस्वीर आपके सामने पहली तस्वीर के तौर पर है जब पीएम मोदी ने काला हैट पहना हुआ था, खाकी धारी परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए अवतार में नजर आए, नए लुक में थे। और दूसरी तस्वीर उन विजुअल्स पे नजर हमारी थी लगातार जब पीएम मोदी टाइगर रिजर्व पहुंचे थे। तो टाइगर रिजर्व की सफारी के दौरान पीएम मोदी नए अंदाज में नजर आए। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर ये भी आपको हम बता रहे हैं। लगातार देश में जो बाघों की संख्या घट रही थी वो वाकई चिंताजनक थी, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए, कदम उठाया गया। तो अभियान जो ये है उसको 50 साल पूरे हो चुके हैं और मकसद क्या है इसका कि शिकार पर रोक और संरक्षण हो इनका, ये खास इसीलिए है। और 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको उसी टाइगर रिजर्व की दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा था। पीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाघों को संरक्षित करने का जो अभियान है वो तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 50 साल का सफर और प्रोजेक्ट टाइगर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं देश में बाघों की संख्या बढ़ाने की पहल केंद्र सरकार द्वारा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस जगह पर मौजूद। 1973 में शुरुआत हुई थी इस पूरे प्रोजेक्ट की, उस वक्त 12 थी इन बाघों की संख्या। इतने साल में 50 साल में 5 दशकों में आंकड़ा कहां से कहां तक पहुंचा है, उसका डेटा साझा किया जाएगा, उस डेटा पे नजर होगी, पीएम मोदी का द्वारा विजन भी साझा किया जाएगा। इस बीच पीएम मोदी आज थेपाकडू हाथी कैंप में होंगे, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पशु प्रेम दुनिया देख पाएगी। जब जब मौका मिलता है प्रधानमंत्री मोदी ऐसी जगह खींचे चले जाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पशु और पक्षी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वे कितना भी सक्रिय और बिजी रहें, पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। पिछले साल सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी जब उन्होंने नामीबिया से आए 8 चीतों की मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एंट्री कराई। इस दौरान पीएम मोदी की पशु और वाइल्ड लाइफ प्रेम की झलक देखने को मिली। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री ने कैमरे पर भी हाथ आजमाया और चीते की कई तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी का पशु प्रेम देखने को मिला हो। 30 अक्टूबर 2020 की ये तस्वीरें भी सबकी जहन में ताजा हैं, जब प्रधानमंत्री गुजरात के जंगल सफारी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने न केवल पूरे सफारी का इत्मीनान से जायजा लिया बल्कि बाघ से आंख भी मिलाई। बाघ से साक्षात्कार करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी तोते से खेलते भी देखे गए। प्रधानमंत्री का गाय प्रेम भी कई मौकों पर देखा गया है। गाय को पीएम मोदी मां की तरह सेवा करते हैं। प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें भी सबको बखूबी याद है जब वो मोरों को दाना खिलाते दिखाई दिए थे। गणतंत्र दिवस की ये तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी घोड़े को दुलार करते नजर आए थे। अब प्रधानमंत्री एक बार फिर पशुओं के बीच होंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पूरी तरह से तैयार है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से विशाल पांडे के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, इस वक्त वहां की क्या तस्वीरें, क्या जानकारी आपके पास प्रधानमंत्री पहुंचे हुए इस टाइगर रिजर्व में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बांदीपुर के बाद थोड़ी ही देर में यहां मुदुमलाई पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम मौजूद हैं। ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है और यहां पर थेपाकाडू एलिफेंट कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर बॉमन बैली दंपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। बॉमन बैली वो है जिनके ऊपर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, द एलिफेंट विस्परर्स, और जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर इन दोनों बॉमन और बैली से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाथी के बच्चे की जान बचाई थी। 3 महीने के हाथी का बच्चा मिला था जिसे बहुत घायल अवस्था में था, जिसका इलाज किया और एक ऐसा संबंध बनाया, ऐसा आत्मीय रिश्ता बनाया जानवर और इंसान के बीच में, जो कि एक मिसाल बना है। और उसे ही ऑस्कर अवार्ड मिला, जो 39 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। एक बार मैं तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि यह पूरा जंगल का एरिया है, सुरक्षा कारणों से बहुत आगे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहां एलिफेंट कैंप में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो बॉमन और बैली से मुलाकात करेंगे। कुछ जो इस पूरे टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और फिर यहां से रवाना हो जाएंगे। लगभग 45 मिनट का कार्यक्रम है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंच रहे हैं, कल हमने बॉमन और बैली से बात की तो उन्होंने बताया कि ये उनके लिए बेहद खास मौका है, क्योंकि पीएम मोदी सिर्फ उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने रघु, जो कि हाथी का नाम था, और अमु, उनकी देखभाल की, उनकी जान को बचाया, उनका इलाज किया, ये बहुत बड़ी मिसाल है खास तौर पर इंसान और जानवरों के बीच में कैसे एक दोस्ताना संबंध हो सकते हैं। वन्य जीवों को लेकर, संरक्षण को लेकर जो एक नई मुहिम पूरे देश भर में चल रही है, उसको आगे बढ़ाने वाली ये तस्वीरें यहां से देखने को मिलेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यहां पर आने वाले हैं। और ये जो पूरा इलाका है, यहां पर आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं और बॉमन वैली भी आदिवासी समाज से ही आते हैं। पीएम मोदी उनसे मुलाकात करेंगे और हमने देखा कि यहां पर पूरी तैयारियां की गई, खासतौर पर मुदुमलाई। बिल्कुल विशाल, चूंकि आप बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पास से बाहर से इस प्रमाइसिस के रिपोर्ट करें, मैं चाहूंगी कि अपने कैमरा पर्सन को आप बोलें कि विजुअल्स दिखाएं, तैयारियां कितनी खास है, क्योंकि ये मौका, ये दौरा और अब से कुछ ही देर बाद सामने आने वाली तस्वीरें बहुत खास होगी, जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी इनसे। साथ ही साथ आज एक विजन जारी होगा बाघों के संरक्षण का और आंकड़े भी जारी होंगे। फिलहाल विजुअल्स दिखाएं आप विशाल पांडे। देखिए निधि, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम इस वक्त बांदीपुर में नहीं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आगे से पूरा ये रास्ता बंद कर दिया गया है। पूरा ये मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है, ये उसी का हिस्सा है जहां पर हम मौजूद हैं। पीएम मोदी यहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वो एलिफेंट कैंप है, जहां वो उस कैंप का दौरा करेंगे। साथ ही जो बॉमन वैली है उनसे मुलाकात करेंगे। कुछ जो इस टाइगर रिजर्व के कर्मचारी हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और फिर यहां से पीएम रवाना हो जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाघों की संख्या भी जारी की जाएगी, कैसे 2014 से 2018 तक के जो हमने आंकड़े देखे उसमें 33% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन ताजा आंकड़ा बाघों का क्या है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। और पीएम मोदी का नया लुक भी आज पूरे देश ने देखा कि किस तरह जब वो बांदीपुर पहुंचने वाले थे तो उस वक्त एक नए लुक में पीएम मोदी यहां पर दिखाई दिए। इससे पहले भी वो अलग अलग जो टाइगर रिजर्व है या फिर जो दूसरी जगह है वहां पर पीएम मोदी पहुंचते रहे। एक बार मैं आपको और तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि यहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वो एलिफेंट कैंप है जहां पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। ये तमिलनाडु का मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है। पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे उनके लिए पूरी तैयारियां यहां पर की गई है और खास जो आकर्षक आप चीज कह सकते हैं यहां पर जो आकर्षण का केंद्र है वो बॉमन और बैली है, जिनके ऊपर पूरी वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, शूट की गई थी, जिसे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर बॉमन और बैली से आज मुलाकात करेंगे। निधि और प्रिया, बिल्कुल विशाल, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे, देख रहे हैं हम सुरक्षा के कितने खास इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों के लिए आज ये पूरा रास्ता जो है वो डायवर्ट तो किया गया, लेकिन आम लोगों की आवाजाही पर भी यहां पर रोक लगा दिया गया है। पीएम यहां पर पहुंचे हैं, लोग आप उन लोगों के बीच में मौजूद हैं। अब क्रेज भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हमने देखा निधि, प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं लोग उनसे मिलने के लिए भी बड़ा उत्सुक होते हैं। तो ऐसे में वहां की क्या तस्वीर, लोगों का क्या कहना कि पीएम के इस आगमन को लेकर?
देखिए यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री खासतौर पर बमन वैली से मिलने के लिए इस एलिफेंट कैंप में पहुंच रहे हैं मधुमलाई के, तो लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। एक ये पर्यटकों का सबसे बड़ा केंद्र है, पर्यटन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, तो लोगों की संख्या आज थोड़ी कम जरूर है क्योंकि कई जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं और आइडेंटिटी कार्ड चेक करके ही उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो मेन इलाका है इस जंगल का जहां पर पीएम मोदी को जाना है वहां पर मात्र बिल्कुल विशाल मधुमलाई टाइगर रिजर्व से आप लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, विजुअल्स पर जी न्यूज की नजर लगातार है। इस बीच एक ब्रेकिंग इनपुट आ रहा है, दक्षिण भारत के दौरे पर दूसरे दिन नीलगिरी के मधुमलाई टाइगर रिजर्व पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, कितना उत्साह है, हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे। बहरहाल ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के असली नायक बोमन वैली से मुलाकात का एक बहुत खास मौका है, लिहाजा उन तस्वीरों पर भी प्रिया जी न्यूज की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। बिल्कुल, तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के असली नायक की भी। देखिए आपने तस्वीर, बोमन और वैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और इसी को लेकर विशाल लगातार जानकारी भी दे रहे थे कि एक अलग पॉजिटिव माहौल है यहां पर, लोग बड़े उत्सुक हैं इस मुलाकात को लेकर भी कि पीएम और बोमन वैली के बीच में क्या बातचीत भी होती है। दक्षिण भारत के दौरे पर दूसरा दिन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है चूंकि वो पर्यटन के केंद्र में रहता है लिहाजा वहां पे लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। चूंकि आज पीएम मोदी का आगमन है लिहाजा न सिर्फ रूट को डाइवर्ट किया गया है कुछ वक्त के लिए, इन पर्यटकों को भी रोका गया है। और जिस तरीके से विशाल पांडे वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो जनता है, जो स्थानीय है वहां के, उनमें खासा उत्साह है क्योंकि ये मौका पीएम के आगमन का मौका है। ऐसे में न सिर्फ आज बाघों के संरक्षण को लेकर आंकड़े जारी होंगे, अमृतकाल में बाघों के संरक्षण का जो पूरा विजन है वो जारी होगा, बल्कि बमन और वैली से मुलाकात की तस्वीरों पर बहुत नजर बनी हुई क्योंकि वो असली हीरो हैं। और जिस तरीके से एलिफेंट विस्पर्स नाम की फिल्म को ऑस्कर से नवाजा गया, लिहाजा इस मुलाकात पर जो असली नायक है उनसे पीएम मोदी की मुलाकात पर सबकी नजरें टिके हैं। विशाल, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बाहर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि किस तरीके की व्यवस्था है वो तो बताएं और प्रधानमंत्री का कितनी देर के बाद वहां पर आगमन होगा उसकी भी अपडेट साझा करें। विशाल पांडे, ओवर टू यू। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त मधुमलाई टाइगर रिजर्व के एलिफेंट कैंप में पहुंच सकते हैं जहां पर बमन और वैली ने खासतौर पर रघु और अमु की देखभाल किया, उनका इलाज किया, उनकी जान बचाई और उसी पूरी कहानी पर जो पिछले 5 साल से वो जिस तरह से केयर करते थे रघु और अमु नाम के हाथी का, उसी पर यह पूरी द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में यहां पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं क्योंकि लगभग 9:30 बजे का समय बताया गया था कि बांदीपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुमलाई पहुंचेंगे, एलिफेंट कैंप जाएंगे और वो समय हो चुका है। तो किसी भी वक्त वो तस्वीरें आ सकती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलिफेंट कैंप में बमन वैली से मुलाकात कर रहे होंगे, टाइगर रिजर्व के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी बातचीत का उनका समय रखा गया है। साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलिफेंट कैंप से सड़क मार्ग से इस जगह तक आएंगे जहां पर हम मौजूद हैं और यहां से वो हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे, रास्ते में कुछ जगह पर उनके स्वागत का भी कार्यक्रम रखा गया है, खासतौर पर तमिलनाडु बीजेपी की जो यूनिट है कुछ जगह पर उन्होंने स्वागत का कार्यक्रम पीएम मोदी का रखा है क्योंकि पीएम मोदी सीधे यहां से रवाना हो जाएंगे आगे के लिए। लेकिन तैयारियां यहां पर पूरी की गई थी और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये सिर्फ बमन वैली से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर इस एलिफेंट कैंप में पहुंच रहे हैं जहां पर यह पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट की गई थी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला, जिससे देश का नाम आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, कैसे आत्मीय रिश्ते एक इंसान और बेजुबान के बीच में भी बन सकते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बमन वैली और जो रघु एमू नाम के हाथी थे उनकी बातें और उनकी विशाल लगातार तस्वीरें आप पहुंचा भी रहे हैं और तमाम खास बातें जी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहा है कि किस मायने में खास है ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए, आगे रुख करेंगे आपका। तो कुछ ही देर में मधुमलाई पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीरें बहुत खास रहने वाली हैं। दक्षिण भारत, उसके दौरे पर पीएम मोदी, दौरे का दूसरा दिन नीलगिरी के मधुमलाई टाइगर रिजर्व जाने वाले हैं, किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। Z News.